हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, रेवाड़ी के बावर नेचाना रोड नियर नेशनल हाईवे 48 के पास से हो गई चोरी। शटरिंग गोदाम से रात्रि 2 से 3 बजे के बीच 3 लाख की हुई चोरी। लोहे की प्लेट चोरी की गई। नरेंद्र चौहान रुद निवासी सेटिंग गोदाम का मालिक ने यह शटरिंग गोदाम नेचाना रोड बावल पर है। आइए सुनते हैं नरेंद्र चौहान ने क्या कहा। चोरों ने 1 घंटे के अंदर काफी माल एक कैंटर गाड़ी में भर लिया गया, जबकि नियर कुछ ही दूरी पर पुलिस बूथ पास में बना हुआ है। उस रोड पर ना तो नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट जलती है, नेचाना रोड पर पुलिस भी गश्त लगाने नहीं आती है। यह बात पड़ोस के दुकानदार शिव शक्ति टेंट हाउस के मालिक प्रदीप कुमार चौधरी रुद के निवासी ने कहा। यह रोड शमशान घाट से भी बुरा है, पुलिस भी नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ केवल चोर आते हैं, या तो केवल बाइक मोटरसाइकिल चुराई जाती है, या लोहे की प्लेट चुराई जाती है, या महिलाओं का बैग खोसा जाता है। निवासी नरेंद्र चौहान ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि वह बिल्डिंग सेटिंग का काम करता है। सेटिंग के दुकान में से लग 200 लोहे की प्लेट रखी हुई थी, उनको चोर चुरा ले गए कैंट गाड़ी लगाकर, जो रात को चोरी हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। भैया आपका नाम? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र भैया, आपके यहाँ एक गोडाउन है जो आप सेटरिंग का काम करते हो, इसमें लगभग रात को एक चोरी हुई है, वो किस तरह की वारदात है बताएंगे उसके बारे में कुछ? सर पता नहीं, हमें तो गोडाउन पे अपना बुड्ढा छोरा था और उसको पता चला सुबह, ये करीब फोटो चेक करी तो 2:30 बजे करीब ये है, इस पर वारदात कैंटर लगाई हुई है। तो आपको कितने लाख रुपए का माल चोरी हुआ है? 3 लाख रुपए का चोरी हुआ। 3 लाख का चोरी हुआ। लगभग आपको किस पे या किसी पे शक जाता है? शक तो किस पे नहीं जाता, किस क्या विश्वास करे, कौन है कौन है। भैया आपका नाम? प्रदीप कुमार। भाई साहब, आपकी पड़ोस में दुकान है? हाँ जी। और उसके सामने एक गोडाउन है सेटरिंग का, वहाँ पे रात्रि को एक चोरी हुई है। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में क्या कहें जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखते हैं ना तो यहाँ लाइटें जलती हैं, रात को यहाँ पर लोग चक्कर लगाते रहते हैं, ना पुलिस गश्त लगाती है, यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी हो जाती हैं, यहाँ मुर्दों का मतलब जो शमशान घाट होता है ऐसे रहते हैं, बच्चे डरे हुए होते हैं जो यहाँ रहते हैं, वो भी अंदर सो जाते हैं, डर लगता रहता है इनको। भाई साहब, अभी मैंने देखा है बिल्कुल जस्ट आपकी दुकान के सामने ये सेटिंग की दुकान है, यहाँ की आपके रात को वर्कर भी रहते हैं, तो क्या वर्करों की भी आंख नहीं खुली? वर्कर डर के रहते हैं जी, वर्कर भी रहते हैं, वर्कर डर के रहते हैं यहाँ पे, वर्कर आंख खोले तो उनको डर रहता है कि क्या कभी हमारे साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो उठते नहीं हैं, डर जाते हैं, बाहर पेशाब करने के लिए नहीं निकलते हैं, अंधेरा रहता है यहाँ। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हो? प्रशासन से हम ये उम्मीद रखते हैं इस रोड पे गश्त बढ़ाई जाए, इन लाइटों को सही कराया जाए,